हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से ये आ जाता है।
हाइड्रोजन जो जो मिल से मिलके जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं। जब ये नॉन पोलर कैटेगरी में आएंगे तो ये वाटर में कौन सा होगा, सोल्युबल नहीं होंगे। क्यों नहीं सोल्युबल होंगे, वो इस वजह से सोल्युबल नहीं होंगे क्योंकि वाटर जो सा है वो हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, पोलर मॉलिक्यूल कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू लाइफ लॉन्ग लाइफ प्रिंसिपल के मुताबिक पोलर पार्ट जो सा है पोलर पार्ट में हल होता है, नॉन पोलर पार्ट जो सा है वो हमारे पास कहां पे हल होता है, नॉन पोलर पार्ट में हल होता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है ऑफ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स की, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स की, पोलर मॉलिक्यूल के साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर हो गई। अब हम इसकी जो सकता है सेकंड एप्लीकेशन, जो कि तस्वीर एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो मतलब क्या है, वो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, अब पहले पहले जो हमारे पास क्लींजिंग का मतलब क्या होता है, साफ करना ना, क्या क्या होता है क्लींजिंग का मतलब, होता है साफ करना, साफ एक्शन मतलब अमल है ना, साफ करने का जो अमल होता है उसे हम कहते हैं हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट को जो होता है मतलब क्या है कि सोप एंड डिटर्जेंट वो वाले कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, किसी चीज को साफ करने का अमल जो होता है परफॉर्म करते हैं। सही है, तो इससे पहले हम जो इसको जो है जो होता है समझने से पहले हम जो होता है समझते हैं कि सोप एंड डिटर्जेंट बेसिकली ये है क्या। तो हम जो सोप की डेफिनेशन करते हैं वो बेसिकली क्या है, हम डेफिनेशन करते हैं कि ये जो सोप होती है ना ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सोडियम और पोटाशियम के सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। बेसिकली हमारे पास इसका क्या मतलब है, फैटी एसिड का आपको पता है हमारे पास फैट्स वगैरह ऑयल और चिकनाई वगैरह कौन सी होती है ना, सब जो नॉन पोलर पार्ट में मौजूद होता है उसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इसमें बेसिकली हमारे इस बात है ना, ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड होते हैं। इसे बात करूं फैटी एसिड में बात कर लेता हूं, क्या कहते हैं एसिटिक एसिड C17H35C(O), उसके बाद H। ठीक है, इसको हम जो कंपाउंड को नाम देते हैं फैटी एसिड का नाम देते हैं, फैटी एसिड का जो सबसे नाम देते हैं कहते हैं हमारे पास स्टीरिक एसिड, क्योंकि यहां पर क्या क्या हुआ है हमारे पास H+ जो सब है वो यहां पर सब क्या है अटैच है। ठीक हो गया, ये हमारे पास है स्टीरिक एसिड। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं यहां से इसको जब वाटर में फ्लो करूंगा तो हाइड्रोजन पार्ट क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही आप एसिड कहते हैं उसको है जो हमारे पास क्या करता है हाइड्रोजन देता है हमारे पास वाटर में। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे बता देंगे हमारे पास सोडियम, ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इसको जो सब हम दूसरे बात में कह सकते हैं सोडियम एसिटेट, कहते हैं कि हमारे पास सोडियम सोडियम की स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले था हमारे पास स्टेरिक एसिड जब एच था, लेकिन जब इसको हमने डिसोल्व किया वाटर में तो उसे एच प्लस को लूज कर दिया, जब एच प्लस को उसे लूज किया तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हमारे पास सोडियम आयन था वो हमारे पास यहाँ पे आकर अटैच हो गया और एच प्लस जो सब था वहां से क्या हो गया रिमूव हो गया, जिसकी वजह से ये बन गया सोडियम स्टीरेट। ठीक हो गया, तो इसमें ना बेसिकली क्या होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर पार्ट और एक होता है हमारे पास नॉन पोलर पार्ट। ये है जी हमारे पास C17H35 ये वाला और दूसरा पार्ट ये वाला होता है हमारे पास C(O)-NaNA+। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं नॉन पोलर पार्ट कहते हैं, नॉन पोलर पार्ट। और ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसे कहते हैं पोलर पार्ट। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सोडियम की रेट है वो दो चीजों का मिक्सचर है, किस किस का, वो हमारे पास है जी कहते हैं कि हमारे पास नॉन पोलर पार्ट का और हमारे पास क्या है जी पोलर पार्ट का हिस्सा है। ठीक हो गया, अब ये जो पोलर पार्ट होगा इसको हम जो सब कहते हैं क्या करते हैं, ये वाटर सोल्युबल होता है, वाटर सोल्युबल
वाटर सोल्युबल होने की वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक वाटर सोल्युबल, क्योंकि वाटर एक सोल्युबल है, क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड है, इस वजह से ये हमारे पास क्या होता है, वाटर में आसानी से हल हो जाता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हमारे पास वाटर, और फॉइल का मतलब क्या होता है, या फिलिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लविंग, मतलब क्या है कि वाटर के साथ इसकी खास अट्रैक्शन होती है, इस वजह से ये हमारे पास कहलाता है हाइड्रोफिलिक, और ये पोलर पार्ट होता है और ये आसानी से वाटर में क्या हो जाता है, हल हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी, ये नॉन पोलर पार्ट होता है ना, ये वाटर में हो सकता है, वाटर हीटर होता है, वाटर हीटर, वाटर हीटर होता है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। फोबिक का मतलब क्या होता है, नफरत करना, और जो हमारे पास हाइड्रो होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है हमारे पास वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर पार्ट है हमारे पास सोडियम की रेट का, वो वाटर में सोल्व नहीं होगा, और जो हमारे पास होगा ये वाला पार्ट, ये वाटर में हमारे पास क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अब ये जो फेसिंग रिएक्शन को सोल्व करने करते क्या है, करते ये है, जैसे मैं माफ कर लूं, हम बनाते हैं आपके सोल्व की डायग्राम, ये आपकी एक नील है, शर्ट कह रहे हैं आप इसको, बेशक पुलिस कह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे ना ये हमने लगा दी है, लगा दी है आपकी पुलिस, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास करेगा क्या, ये कुछ इस तरह ये होगी, इस तरह, ठीक हो गया। अब सारी बात है इसके ऊपर लगे होंगे दाग वगैरह, स्टेन वगैरह लगे होंगे इसमें, ठीक है, ये हमारे पास है स्टेन, दाग लगे जो आपके शर्ट के ऊपर लगे होंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टेन होते हैं ना, ये वाले, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन पोलर, ठीक हो गया। जब हम हमने इसको इस पीस को आगे पीस को जब डाला ना मशीन में, फिर क्या होगा कि ये जो हमारे पास होगा ना, ये वाला सोप और डिटर्जेंट, ये हमारे पास क्या होगा, इसे मिक्स अप हो जाएगा इसे, तो जो पोलर पार्ट होगा ना हमारे पास, वो वाटर में सोल्व हो जाएगा, और जो नॉन पोलर पार्ट होगा ना हमारे पास, जो स्टेन है आपके डब्बे डब्बे वगैरह है, तो जब आप उसको रगड़ोगे ना, हमारे पास जो सोप और डिटर्जेंट
आती है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास सप्तमान आता है हमारे बॉडी में, वो किस वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी जिंदगी में क्या है, आम डेली में डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत अच्छी चीज है जो हमें क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास इतना ही, इंशाल्लाह बाकी जो हमारे पास इनकी एप्लीकेशन है वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।